हैं। नदी में तैरते हुए 38 लाख के फोन बरामद किए गए हैं। पूरा मामला पश्चिम बंगाल से सामने आया है, जहां पगला नदी में 38 लाख के 317 मोबाइल फोन तैरते हुए मिले हैं। बीएसएफ के जवानों ने सैकड़ों मोबाइल फोन बरामद किए। बीएसएफ के जवानों ने जैसे ही इसे देखा उसे नदी से बाहर निकाला और जब इस कंटेनर को खोला गया तो इसमें 317 मोबाइल फोन थे। सभी मोबाइल फोनों की कीमत 38 लाख आकी जा रही है। बीएसएफ के ने बयान जारी करते हुए कहा कि दक्षिण बंगाल फ्रंटियर के अंतर्गत 70वीं बटालियन के जवानों ने रविवार शाम करीब 5:30 बजे बॉर्डर आउटपोस्ट लोधिया के पास पगला नदी में बहते हुए प्लास्टिक कंटेनरों को तैरते हुए पाया। ये कंटेनर केले के तन से बंधे हुए थे। जैसे ही जवानों ने इसे देखा उसे फौरन बाहर निकाला। कंटेनरों को बाहर निकालने के बाद उसे खोलने पर 317 फोन मिले, जिसकी कीमत 38 लाख रुपए बताई जा रही है। जवानों ने कानूनी कार्रवाई करते हुए इन सभी मोबाइल फोनों को स्थानीय पुलिस को सौंप दिया है। 70वीं बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर ने कहा कि बीएसएफ भारत बांग्लादेश सीमा पर तस्करी को रोकने के लिए सख्त कदम उठा रहा है और ऐसे में इसकी तस्करी जैसी गतिविधियों में लिप्त लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ पकड़े भी जा रहे हैं, इन लोगों को कानूनों के तहत सजा भी दी जा रही है। तो ये बड़ी खबर, किस तरह से अब जो बीएसएफ के जवान है काफी एक्टिव हो गए हैं और नदी में तैरते हुए 38 लाख के फोन जब्त किए गए हैं। 317 फोन 38 लाख के जब्त किए गए हैं।